हेलो दोस्तों, तो आज हम एक बार फिर आ गए नए ब्लॉग के साथ और आज हम आए फिर से शोरमा के लिए। पर जो कॉन्सेप्ट का शोरमा था उससे अलग शोरमा है। हम आए हैं मयूर विहार फेज़ वन और यहाँ भी आपको मिल जाएगा शोरमा। जो लोग इतनी दूर लाजपत नगर कॉन्सेप्ट ट्राई करने नहीं जा सकते तो वो मयूर विहार फेज़ वन में भी दोस्तों पास में, आप वहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हैं। और शोरमा उतना लाजवाब नहीं है बट हाँ काफ़ी अच्छा है शोरमा। और शोरमा आपको दिल्ली में एक यहाँ भी मिलेगा, तो मैं चलता हूँ दिखाता हूँ आपको कैसा है शोरमा, क्या चीज़ है शोरमा। कोई नहीं, ये है रुमाली रोटी और ये कौन सी है? ये नॉर्मल, ये नॉर्मल रोटी है। तो दोस्तों ये रुमाली रोटी है और ये नॉर्मल रोटी है, दोनों को यहाँ दिख रही है। तो अभी देखो दोस्तों से सेका जा रहा है अच्छे से। ये वाइट वाली सॉस कौन सी है? ये मैंने बनाई हुई है, खुद बनाता हूँ। अच्छा, मतलब सब कुछ खुद बनाता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने थोड़ी सी मतलब अलग होती है ना, ये थोड़ी सी अलग दिख रही है। कोई नहीं, तो ये है हमारा ऑर्डर, नहीं दे दो दोस्तों। ये है हमारा ऑर्डर, ये है रुमाली रोटी के साथ और इसकी कॉस्ट है 60 रुपये। और अभी हमने नॉर्मल रोटी के साथ भी किया है, उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये है, ये नॉर्मल है दोस्तों, ये उसकी कॉस्ट है 50 रुपये। और दोनों देखो दोस्तों देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसे हैं। तो दोस्तों ये है शोरमा हमारा और अब हम इसे करने वाले हैं ट्राई। और मेरे साथ है फिर से एक बार मेरे दोस्त, मेरे कलीग दया जी और ये हूँ मैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों ट्राई करूँगा जो हमने नॉर्मल लिए हैं उसके साथ। तो उसके साथ मैं दोस्तों देखा आपने हमें मिला है ये देखो दोस्तों, ये दिख रहा है आपको। और इसके साथ दोस्तों हमें कुछ सॉस मिली है और सॉस हमें जो मिली है वो मिली है हमें ग्रीन सॉस। मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ सेकेंड। देखो ये है ग्रीन सॉस और ये है इसके साथ में वाइट कलर की है म्यूनिस और ये है ग्रीन सॉस हमारी जो कि पुदीने की है और धनिया की। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, बताता हूँ सो कैसा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। काफ़ी ऑसम है, काफ़ी अमेजिंग है। मैं तो खाता रहता हूँ। दया जी से पूछूँगा, दया जी को कैसा लग रहा है। दया जी एक बार आप ट्राई करो, आप बताओ। तो दोस्तों ये है रुमाली रोल के साथ और दया जी बताएंगे दया जी को कैसा लग रहा है। जबरदस्त, कैसा लगा? मजा, बहुत टेस्टी है और बहुत जूसी है।
मज़ा आ रहा है, बहुत क्रीमी हो। तो दोस्तों जी, दया जी को तो आगे पसंद, मुझे तो खैर पसंद है ही, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ पर। अल्टीमेट चीज़ें हम लोग खाते आते रहते हैं, और आप भी खाने आएँ और खा के बताएं आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, शोरमा खा के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अब मैं आपको मिलवाता हूँ शॉप के ऑनर से, जो शॉप को चला रहे हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोलू कश्यप। गोलू जी, गोलू जी कब से दुकान चला रहे हैं आप? मेरे को 3 साल हो गए करीब। दोस्तों, 3 साल से ये दुकान है। अच्छा, तो जो आप इसमें चिकन यूज़ कर रहे हैं, या चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रहे हैं? ब्रेस्ट। अच्छा, और जो चटनी आप सर्व कर रहे हैं, चटनी कौन सी है? चटनी एक म्यूनी से ग्रीन चटनी है, इसमें दही मिलती है। अच्छा, तो इसमें अभी आपने, जैसे मैंने देखा आपको पूरा बनाते हुए, आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं इसमें? सिर्फ प्याज और चिकन होता है, बाकी मसाले वगैरह रहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, काफ़ी आसान तरीका बनाने का, लेकिन जो टेस्ट है वो सिर्फ इन्हीं के हाथ से आएगा, क्योंकि हमने और भी जगह खाए तो काफ़ी अच्छा लगा है इनका सबसे हमें, और भी अच्छा। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो दिखाई थी आपको कॉन्सेप्ट की, जो बिल्कुल लाजवाब है। तो अगर आप कहीं आसपास में आते हो और आप वहाँ नहीं जा सकते, तो सबसे पास में जगह ये है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं दोस्तों इनसे पूछता हूँ कि कैसे है यहाँ पे, कैसे आ सकते हो लोकेशन पर? तो गोलू भाई, यहाँ पे कैसे आ सकते हैं आपकी शॉप पर, आप बताओ लोगों को कि लोकेशन क्या है आसपास? यहाँ पे मयूर विहार एक्सटेंशन, आचार निकेतन मार्केट है, तो सरगम इलेक्ट्रॉनिक के सामने लगाता हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल सामने है सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स और वन ड्रीम फिटनेस, उसके जस्ट सामने इनकी शॉप है, तो आप इजीली आ सकते हैं। और नियर बाय यहाँ पे जीवन अनमोल हॉस्पिटल भी है, उसी कट से आप सीधे सीधे अंदर आएंगे तो आपको शॉप मिल जाएगी इनकी। थैंक यू गोलू भाई इतने से फूड के लिए। थैंक यू सर। ओके सर। तो दोस्तों, दया सर से जानते हैं कुछ बातें लास्ट। दोस्तों, दया सर का ये हमारे साथ सेकंड ब्लॉग था, तो मैं इनसे पूछूंगा, तो सर कैसा लगा आपको हमारे साथ ये ब्लॉग करके? बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया चीज़ बनाई इसने, जो शोरमा बनाया था, और बहुत अल्टीमेट था और बहुत ही हेल्दी था। वो ज़्यादा ऑयली नहीं है, और 50 रुपये के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है उसके अंदर, मतलब मैक्सिमम, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको 50 रुपये में अल्टीमेट चीज़ मिल जाती है। बहुत जूसी, बहुत हेल्दी और अमेजिंग। तो दोस्तों, यह तो मैं भी बोलूँगा कि दोस्तों 50 रुपये के अंदर काफ़ी अच्छी स्टफिंग थी चिकन की, और यह 60 रुपये में भी आप लेते हैं आप रुमाली रोटी वाला, तो भी काफ़ी अच्छी स्टफिंग थी इसके अंदर, काफ़ी अच्छा था और क्रीमी और जूसी सर ने बताया वो तो था ही, क्योंकि म्यूनिस भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो दोस्तों, वादा करते हैं हम आपसे ऐसे ही ब्लॉग्स के साथ मिलते रहेंगे। तो सर, अगला ब्लॉग कब है? जल्दी, बहुत जल्दी। तो दोस्तों, इसके बाद आपको अगला ब्लॉग जल्दी मिलने वाला है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।